और असली छापे शूटर, अंदाजे मेरा ब्रूटल और सर पे तेरे कुकर, किसको नहीं है फुर्सत, चलते रे तू आगे, हाँ देखना नहीं मुड़के गिरता हाल दिल, मेरे दिल की दास्ता तू क्या जानता, तुझको नहीं पता पकड़ के जो नहीं दे रहा उसको मारो और वोट देने बोलो। अरमान जो है ना, अरमान वो तो इतना आगे पहुंच गया, वही देख के मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि अरमान का तो कोई गेम ही नहीं था। छीन के लाएंगे लेकिन लेके आएंगे, इसीलिए उस रिपोर्टर ने ये सवाल पूछ लिया होगा कि भाई क्या रिश्ता है आप दोनों का। शुरुआत किया कि वो आपका और सना मकबूल का क्या चल रहा है। एकदम रियल खेला उसने, इतना रियल तो बिग बॉस में आज तक किसी ने खेला ही नहीं। अनिल कपूर ने भी बोल दिया उनके सर ने, तो भमाई बोलता है तो मतलब भमाई का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा मतलब होता है सबसे करीब, दिल के करीब। उस अटारिया का गेम थोड़ा ठीक था। हेलो एंड वेलकम टू बजुका टीवी, मैं हूं शिवम। दोस्तों आपको बता दूं कि बिग बॉस OTT 3 इतना जोरों शोरों से चल रहा है और ये फिनाले का दिन आ चुका है, एक या दो दिन ही बचे हुए हैं और नेजी भाई के दोस्त लोग हमारे साथ हैं और नेजी भाई खूब कमाल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? नेजी भाई फाइनलिस्ट बन चुके हैं, आई थिंक 3-4 कंटेस्टेंट ही बाकी हैं और नेजी भाई इज वन ऑफ देम। आप लोग एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड कैसा लग रहा है? एज अ फैन हमें, एज अ रिपोर्टर हमें अपना काम करना पड़ता है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि नेजी भाई को देख के रियल इंसान टॉप 4 में पहुंच चुका है। व्हाट डू यू हैव टू से? हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अब फ्रेंड थे अब तो फैन हो गए उसके हम लोग, ये बिग बॉस के बाद उसकी पर्सनैलिटी उसके नेचर के हम लोग भी फैन हो गए, मतलब वो चेंज हो गया बिल्कुल, मज़ा आ रहा है गेम देख के उसका और फाइनलिस्ट हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ ही रहा है। हाँ भाई आप बताइए, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जितना मतलब उसका कितना सारा सब चीज़ें हुई और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें किया उसने, इतने अच्छे लोगों के साथ बैठा उठा और इतने अच्छी अच्छी बातें बोला उसने, सब चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही है, बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई आप बताइए, नेजी भाई को आप भी जानते हैं तो कैसे हैं नेजी भाई और कैसा लग रहा है आपको? कैसे है वो तो आप लोग देख ही रहे हो चैनल पे, कैसे है वो जैसे चैनल पे वैसे रियल भी है। हाँ वो कोई पॉलिटिकल ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं उनका गेम जीतने के लिए कि वो कुछ पॉलिटिक्स के लिए, जैसे है वैसे ही अपने आप को पोर्ट्रे भी कर रहे, प्रेजेंट भी कर रहे, ठीक है। और बाकी हम लोग तो इन्जॉय कर रहे हैं उसका शो, जीते हाँ, जीतना नहीं जीतना वो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन टॉप 4 में है, टॉप 5 में है, टॉप 2 में भी नाम है उसका कि सना मकबूल एंड ही इज़ गोइंग टू बी लाइक फाइटिंग फॉर द ट्रॉफी। या तो भाई सोहेल भाई ने हमें बताया कि आप नेजी भाई के बचपन के दोस्त हैं, मतलब लंगोटिया यार हैं, तो नेजी भाई की जो पर्सनालिटी दिख रही है बिग बॉस OTT 3 में, क्या नेजी भाई एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं? एग्जैक्टली वैसे ही है, वैसे ही वो बचपन से वैसे ही है और रियल है, वहाँ पर भी रियल है, बाहर भी वो वैसे ही है, एकदम मूडी टाइप। और अब देखो हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि वो जीत जावे और हम लोग को पूरी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है लोगों से और हर जगह से, और बहुत बड़े बड़े स्टार लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं नेजी को, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सोहेल भाई आप बताइए, बिग बॉस OTT 3 में नेजी भाई की एक अलग पर्सनालिटी दिखाई जा रही है, क्या नेजी भाई की पर्सनालिटी एग्जैक्टली सेम है जैसा वो दिख रहे हैं OTT 3 में? एग्जैक्टली जैसा वो दिख रहे हैं वैसे तो मतलब बिल्कुल रियल है वो, बिल्कुल सही रियली दिख रहे हैं वहाँ पे, तो सभी ने देख लिया, हम लोगों को बताने की जरूरत तो है नहीं, सब ने उनकी पर्सनैलिटी को देख लिया और उसके बल्कि उसके फैन हो गए वो पर्सनैलिटी देख के, क्योंकि उसने जितनी भी उसकी जर्नी रही ना एकदम रियल खेला उसने, इतना रियल तो बिग बॉस में आज तक किसी ने खेला ही नहीं, अनिल कपूर ने भी बोल दिया उनके सर ने। हाँ, वो तो बोला है। हाँ, लेकिन खेला ही नहीं। हाँ के लिए लोग थोड़ा चेंज होते अपने आप को, बाहर अलग रहते हैं, अंदर जाने के बाद थोड़ा अलग रहते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने जैसे भाई एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह उसको। अरे बिल्कुल प्यार मिलना ही चाहिए, अगर रियल इंसान को प्यार नहीं मिलेगा फिर किसे प्यार मिलेगा, राइट। लेकिन हमने देखा कुछ बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर नेजी भाई ने थोड़ा सा टेम्पर खो दिया था अपना, एक रिपोर्टर पर नेजी भाई भड़क पड़े थे, तो आप लोगों को किस हद तक सही लगा वो रिपोर्टर पे? तो देखो उसने क्लियरली उसने खुद भी बोला था, उसने एक्शन का रिएक्शन दिया है, जिस तरीके से उसने उसका वो सवाल पूछा था उस तरीके से उसने उसका जवाब दिया है। हाँ जैसे उसने स्टार्ट ही उसने गलत किया है, आप जैसे अब आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, आपने कैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, हमारा इंट्रोडक्शन दिया, उसने स्टार्ट ही किया कि आप तो सो रहे हो, तो वो उसका क्वेश्चन ही गलत है, तो नॉर्मल इंसान भी हाइपर होना ही होना है, वो तो बेचारा वो तो उसने बहुत सबर किया, कोई भी ट्रिगर, हाँ कोई भी ट्रिगर हो जाएगा, उसने क्वेश्चन ही वैसा किया। बिल्कुल। आप लोगों को क्या लगता है भाई, क्या किस हद तक सही था? सही था वो, एक्चुअली शुरुआत जब उसने किया वही वो सोने वाला टाइम बोला, फिर भी वो नवीद थोड़ा सा मतलब उसको वो कर रहा था कि नहीं लेट गो करने के उसमें था, बाद में जब वो शुरुआत किया कि वो आपका और सना मकबूल का क्या चल रहा है, तो वो थोड़ा सा उसको हर्ट लगा कि फ्रेंडशिप को तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, और बाद में अगर वो रिपोर्टर से मिलता भी तो उससे सॉरी भी बोल दिया होता। वो बाद में उन्होंने अपोलोजाइज भी किया था कि हाँ भाई गलती कर दी मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बात थोड़ा सा वो होता है, वो उसके अंदर एक है, वो सॉफ्ट हार्ट है।
लेकिन सना मकबूल और नेजी भाई की अलग एक केमिस्ट्री दिखाई जा रही है जो कि बड़ी क्यूट लग रही है लोगों को। शायद इसीलिए उस रिपोर्टर ने ये सवाल पूछ लिया होगा कि भाई क्या रिश्ता है आप दोनों का। सवाल का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। हाँ वो जो आप सो रहे हैं बोल रहे तो कोई भी ट्रिगर हो जाएगा, फिर वो पूरा सवाल जो था आगे उसको बहुत अच्छे से, वो सवाल में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे सवाल को, तो जैसा उसने प्रेजेंट किया सवाल को उसी तरीके से इसने भी जवाब दिया, बाकी और कुछ नहीं था। अच्छा भाई आप बताइए सोहेल भाई, सना मकबूल के साथ जो अपनी नेजी भाई की केमिस्ट्री दिखाई जा रही है शो में, ज़्यादातर दोनों क्लोज रहते हैं आपस में, बातचीत जो भी बहुत सारी बातचीत आपस में होती है थ्रू आउट द गेम हमने देखा फ्रॉम डे वन टू अभी ये ख़त्म होने को आया, एक दो दिन बचे हुए लास्टली, आपका क्या कहना? सना मकबूल की दोस्ती तो देखो उसने खुद ही अपने मुँह से उसको भमाए बोला है, और जिसको भमाए बोलता है तो मतलब भमाई का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा मतलब होता है बी लव, सबसे करीब दिल के करीब उसके लिए आखिर तक खड़ा भी रहा वो, तो उसने उसको हमारे बोला मतलब क्लोज फ्रेंडशिप। अब पब्लिक उसको इतना मतलब हाइप दे रही है, कुछ भी एंगल लगा रही है, अब वो पब्लिक का क्या कर सकते हैं हम लोग। उसने उसको हमारे बोला, उसकी दोस्ती अच्छी हो तो क्लियर दिख रहा है। हाँ अच्छा नेजी भाई के साथ साथ लोग बोल रहे थे कि कटारिया और अरमान भी टॉप थ्री टॉप फोर में हो सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें निकाला गया शो से, निकल गए व्हाटएवर जो भी है, जो भी रीज़न है एविक्ट हो चुके हैं वो। आपको किस हद तक सही लगा वो? देखो अरमान जो है ना अरमान वो तो इतना आगे पहुंच गया, वही देख के मेरे को मतलब ऐसा लग रहा है कि इतना आगे कैसे पहुंच गया, उसको कोई गेम है उस जो मतलब हर चीज़ का छोटी छोटी मुद्दों को मतलब यूज़ करके खेलने वाला इंसान है वो, इतना आगे चले गया उसकी नसीब थी, तो उसका कोई गेम तो था नहीं। हाँ लव कटारिया का समझ सकता हूँ कि स्टार्ट में थोड़ा सा लग रहा था उसका कि, लेकिन बाद में उसने ठीक किया मतलब धीरे धीरे फिर वो घुल मिल के लोगों से उसने अच्छा किया, लेकिन अरमान का तो कोई गेम ही नहीं था। हाँ तो वो आगे गया वो तो बहुत बड़ी बात है, उसको तो पहले ही निकल जाना चाहिए था। आप बताइए भाई आप दोनों से भी सेम सवाल रहेगा लव कटारिया और अरमान मलिक के बारे में। मैं तो यही बोलूँगा कि थोड़ा अरमान को ज़्यादा लंबा खींच दिए थे उन लोग ने, अरमान थोड़ा सा क्या थोड़ा उन लोग को मसाला दे रहा था कि वो सब चुगली और ये सब करता था, लेकिन कटारिया का गेम थोड़ा ठीक था, बट अब वो किसी को एक को विनर बनना है वहाँ पर, तो इसके लिए जो रहेंगे पीछे पीछे निकल जाएंगे उन लोग। क्या लगता है भाई नेजी भाई ट्रॉफी उठाएंगे 2 तारीख को? यस यस मतलब प्यार पक्का उठाएगा, पक्का पक्का ट्रॉफी उठाएगा, सपोर्ट एंड प्यार देख के तो लोगों का लग रहा है कि हमको उठाएगा इंशाल्लाह। सपोर्ट में अभी पिछले टीम 07 ने भी अपने अपने, हाँ फैज़ बलोच अदनान 07 सद्दू सारे लोगों ने मतलब उसके लिए स्टोरी भी डाली, एजाज खान ने स्टोरी डाली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिप हॉप कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर रही है बल्कि मतलब लोग सारे इन्फ्लुएंसर्स भी और जनरल पब्लिक जिसको ये सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है उसकी पर्सनालिटी के फैन हो गए, इतने मेम्स निकले उसके कि बस उसके लोग फैन हो गए। बिल्कुल हाँ ये जो ऑर्गेनाइज़ किया आपने ये ग्रैंड मीटअप, हम बाद में फुटेज ऐड कर देंगे ताकि लोग देख सकें, ये कितनी मेहनत लगी, एक दोस्त ही कर सकता है ये? नहीं इसमें सब जितने भी उसके बचपन के दोस्त, मोहल्ले के दोस्त, उसके कॉलेज के दोस्त और उसका जो सर्कल हिप हॉप सर्कल, सब ने इसमें मेहनत की है और मतलब ये सबकी मेहनत की वजह से मीटअप हो पाया, और अपने हाँ उनके अपने ये निज़ाम भाई हैं अपने माऊ भाई, इनका माऊ भाई योगदान है, ये निजी के एकदम क्लोज फ्रेंड में से एक है, क्लोज फ्रेंड्स में से एक है अपने माऊ भाई, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है और सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबकी मेहनत है और यहाँ एक मीटअप रख पाए हम लोग। क्या बात है माऊ भाई आप बताइए, बहुत क्लोज है सोहेल भाई से, मुझे पता लगा था कि आपका नंबर भी इन्होंने मुझे दिया, अनफॉर्चुनेटली बात नहीं हो पाई थी। निजी भाई कैसे इंसान है, क्योंकि जिस तरीके का गेम उनका देखने को मिल रहा है OTT3 में कमाल रहा है, ताकि इसीलिए शायद वो यहाँ तक पहुँच पाए। नेजी रियल है जैसा वहाँ पर है, वो जैसा वहाँ पर है वैसा बाहर भी है अंदर भी है, और क्या बताओ, और क्या बताओ, बताता हूँ ना रियल में क्या मतलब, क्या रियल में क्या पूछने का, रियल में एज इन आप बचपन से जानते हैं, ठीक है जवानी में, बचपन से जवानी से नहीं जानते, जवानी से, जवानी से अंदर उसके। हाँ तो ये इनसे बात की, काफ़ी बात की, फिर अलग सीन है थोड़ा, है ना समझ, कैसे मिले थे, कैसे मिले थे? गली में रहता है, मिलता है, वाइब मैच होती है, हाँ जो वाइब मैच होती है बराबर कनेक्ट, वाइब मैच होती है कनेक्ट होते हैं, कहीं रहता है पहुंच जाता हूँ मैं उधर, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट कनेक्ट होती है, तो वो हिसाब से उसकी चीज़ें समझता हूँ मैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, अंदर क्या है, क्या सिचुएशन है, बाहर से हम लोग क्या करना चाहिए, तो हम लोग मचाते रहते हैं। ऐसी फैंस को यही बोलूँगा कि भाई देख हम लोग तो मचा रहे हैं, तुम लोग भी बवाल कर दो और भाई अपना अच्छा अंदर खेल रहा है, ट्रॉफी तो लाना है नहीं तो छीन लेना है, समझ गए? हाँ और शॉट देना ही है अपने को, ट्रॉफी लाना ही है पब्लिक, अभी और कौन है दोस्तों? ठीक है हाँ सर जरा, मुंबई 70 के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कुछ बोल बात कर, किसके लिए नवेद को कुछ बोल, अपील
नवेद बहुत अच्छा खेल रहा है भाई, ऐसी रहो भाई, इंशाल्लाह ट्रॉफी बॉम्बे 70 ही आएगी और फुल सपोर्ट में है भाई हम लोग सब। अक्तर इधर आजा भाई, इसका दोस्त है ये बचपन का भाई, बम्बई को वोट दो अपने बस। और पकड़ पकड़ के जो नहीं दे रहा उसको मारो और वोट देने बोलो जबरदस्ती। हाँ हाँ रियली हम लोग और पीछे चलती जीएल है क्योंकि भाई तेरा रियल है। मोहम्मद खुर्रम खान एज अ स्टेज नेम MKKR रैपर भागलपुर बिहार से। अरे क्या बात है, बिहारी हैं। चलिए सुना दीजिए कुछ। मैं नेजी भाई का एक रैप करता हूँ क्योंकि उससे ही सीखा हूँ मैं। या देखो तो इधर मेरे गली में है घर छोटे छोटे लेकिन छोटे छोटे लेकिन दिल में है जगह देखो बेशुमार पुकार। कभी भी गली से मदद देने को तैयार, गरीबी चलेगी लेकिन फरे भी करेगी, नहीं जली भी तलेगी लेकिन पटेली रुकेगी नहीं जहाँ भी चलेगी। कि बोले हटेला झुकेला नहीं क्यों, क्योंकि हटेला है मेरी गली का तरीका सलीका से केला है। रोशन चौखट अबली बवाली है, रौनक बॉम्बे की चोली कमाली, सोहबत बहुत मोहब्बत बाली है, दौलत शोहरत जाके कमाल। बंडा बुच्चे बोमाए गिर गिर पकड़े पड़े पर मछी भी सी फंसे खिट पी गले मर्जी पर छबर छबर इसकी टोपी उसके सर आ रहे गले जा रहे पर मेरे गले में गले। क्या बात है, और कोई रैप करता है मेरे भाई, आ जाओ। कोई तो अभी बीट बॉक्सिंग कर रहा था यहाँ पे, चल आ जा चल कुछ हो जाए जमा। हाल दिल मेरे दिल की दास्ता तू क्या जानता, तुझको नहीं पता हम किस गली में रह ले, हम किस गली में रह ले, तर्क कब से सहरे यहाँ सब है बहरे, कोई नहीं किसका सुनता यहाँ सब मसले का हल कोई नहीं। नहीं बहुत अच्छा, अरे भाई मेरे भाई क्या बात है, बहुत सही। और कोई मेरे भाई मेरे दोस्त कुछ कोई और रैपिंग वैपिंग करता है, आ जा भाई आ जा। चलो मेरे भाई सुना रहे तला भाई। अंधेरे में पास मेरा ब्राइट होगा फ्यूचर, इस गेम का मेमारी जीतेगा मेरा ही कबूतर, दर्द सबके दिल में है बताता नहीं कोई बोल के, सब देख रहा है वो बेटा आसमानों के ऊपर, जमाने को ये छूकर और असली छापे शूटर, अंदाजे मेरा ब्रूटल और सर पे तेरे कुकर, किसको नहीं ये फुर्सत चलते रे तू आगे, हाँ देखना नहीं मुड़के, गिरता इतने जल्दी जो जीता यहाँ पे उड़के, सवाले करते झूठे खिलाफे करते साजिश, भीग जाएगा तू करूँ लफ्जों की जब बारिश, कलम की बहुत इज्जत डिश मेरे टेबल पे पापड़ ये लिज्जत, हाँ मुख्तलिफ है लोग बदलते वक्त हर घड़ी, कला ये मेरे सर चढ़ी करेगा मुझसे गड़बड़ी, तो नाक से सीधा रस भरी नाइकी है पैरों में कमर पे मेरे बरबरी, लिखने बैठा पन्नों पर तो कलम में कुछ शैतान करता हड़बड़ी, तुम करते रहना बड़बड़ी, मैं करते रहूंगा हसल, खाऊंगा कल बैठ के उगाऊंगा जो आज फसल, नहीं आ रही इनको अकल, दुनिया तो एक कैद था ना झूठी यहाँ पे नस्ल, वैसे रूप तो एक ही है फिर दो दो काय को शक्ल। क्या बात है भाई, क्या बात, जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां। तो भाई लोग आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रॉफी आ रही है बम्बई 70? ट्रॉफी नहीं आएगी तो छीन के लाएंगे लेकिन लेके आएंगे। अपना बंदूक अंदर है।